अस्सलामुअलैकुम। आम मालूमात, भारत के कौमी निशान से मुतालिक। भारत का कौमी तराना किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। कौमी तराना जनगणमना किस जुबान में लिखा हुआ है? बंगाली। कौमी तराना सबसे पहले कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। कौमी तराना को कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड। दस्तूर साज मजलिस ने जनगण मन को कौमी तराने की हैसियत से कब तस्लीम किया? 24 जनवरी 1950। कौमी परचम को कब मंजूरी दी गई? 22 जुलाई 1947। कौमी परचम की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत क्या है? 3.2। कौमी परचम के चक्र में कितनी लकीरें हैं? 24। कौमी परचम का चक्र किस रंग का है? नीले रंग का। साका को कौमी कैलेंडर कब तस्लीम किया गया? 22 मार्च 1957। भारत का कौमी निशान कहां से लाया गया है? सांची स्तूप। हिंदी कौमी जबान कब बनी? जबान और जुबान दोनों तलफ़ुज़ सही है। हिंदी कौमी जबान कब बनी? 26 जनवरी 1965। कौमी गीत वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के किस नावेल से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ फिल्म भी है। हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। यौम आजादी किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हमारे मुल्क के दस्तूर का नफाज कब अमल में आया? 26 जनवरी 1950। यौम जमहूरिया किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को। सारनाथ सुतून के नीचे देवनागरी रस्मुल खत में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। भारत ने मोर को कौमी परिंदा कब तस्लीम किया? 31 जनवरी 1963। कौमी परचम को मंजूरी कब दी गई? 22 जुलाई 1947।